ये बहुत ही सुखद अनुभव है, पूर्वांचल में पूर्वांचल फिल्म की शूटिंग, और यहाँ के सारे लोगों का बहुत सपोर्ट है हम लोगों को, तो एक अच्छा फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। किरदार की बात की जाए तो काफी से जब तक आपका जो है अलग लुक में देखते चाहे गाने में चाहे ड्रीम तो है। असल में भाई डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, तो जो डायरेक्टर का कहना होता है हम लोग को मानना पड़ता है। तो हमारे भाई चंदन सिंह जी का ये कहना था कि थोड़ा सा दाढ़ी कम रहना चाहिए, हम यहीं पे हैं, हम चाहते हैं कि वो भी आए। तो कहना था कि भाई दाढ़ी कम रहना चाहिए तो करा लिए, भाई डायरेक्टर का बात मानना चाहिए ना। जी पूर्वांचल में दबंगई दिखा रहे हैं। पर आप और पर्दे पीछे ये। हाँ, असल में हम लोग की ये तीसरी फिल्म है, एक हम लोग इसमें कितना है दम किए थे, दूसरी की है दबंग दमाद, और तीसरा अभी पूर्वांचल करने जा रहे हैं। तीनों बहुत ही अच्छी फिल्में हैं और बहुत जल्दी आप लोग के बीच में आएंगे देखने। देखिए हम लोग डिफरेंस तो ढूंढते ही हैं किरदार में, और ऐसा डिफरेंट करते हैं। तो डिफरेंट तो है किरदार में कि जो लड़का है कैसे उसके साथ, क्योंकि अब अगर छोटा है तो उसकी जर्नी तो कहलाएगी नहीं, छोटा है तो उसके साथ क्या क्या होता है, उसको कैसे लेके एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जाता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो किस नज़रिया का वो बड़ा होके बनता है, और वो होता क्या है जन्म से और कर्म से क्या हो जाता है, ये बहुत सारा डिफरेंस है इस फिल्म में। और सारी चीज़ें तो हम ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट अच्छा है और हम लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत डिफरेंट है, और मैंने बोला है कि ये जो कैरेक्टर है ना, मतलब मुझे जैसा फील हुआ कि नहीं वही करेंगे और वही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग साथ में तीसरी फिल्म कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, और साथ में केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। हाँ वो तो लाजमी है। ऐसा नहीं है, हम लोगों का ये मोटिव रहता है, सोच रहता है कि देखिए अगर कोई स्क्रिप्ट रेडी होती है तो उसमें लड़की का कैरेक्टर राइटर ने कैसा लिखा है उस हिसाब से हीरोइन का चयन होता है, और उस हिसाब से हीरोज का भी चयन होता है। ऐसा नहीं सिर्फ हीरोइन का ही चयन होता है, जो कैरेक्टर में फिट आए उसको लेते हैं हम। जी जी जी। वो तो जैसे एक आदमी नाउ उसका बार काट रहा था, तो आदमी बोला कि थोड़ा मेरा बाल गिन के बताना तो कितना है। तो वो बोला काटने वाला कि साहब आपके समन्वय है, छील के रख दे रहे हैं, गिन लीजिए। वही वाली स्थिति है, फिल्म सामने आएगी तो लोगों को खुद पता चल जाएगा, हम लोग क्या बताएं। हम लोग भाई अपनी दही को तो सब लोग मीठा कहता है, हम लोग कहेंगे कि हमारी फिल्म अच्छी है, लेकिन हमको दर्शकों को बताना है कि फिल्म कैसा लगा। सिनेमा हॉल खुला है, अभी हमारी फिल्म लगी भी है बनारस में, सरफरोश यूपी में चल रही है फिल्म, और बहुत अच्छे लोगों का रिस्पॉन्स हमें गया था बनारस में, और लोग आ रहे हैं, पहले की अपेक्षा तादाद में ज़्यादा लोग आ रहे हैं। भीड़ लग रही है, कोविड की वजह से लोगों के अंदर थोड़ा सा डर पैदा हो गया था, लेकिन अब स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। बहुत जल्द हम लोगों का जो रफ्तार से भोजपुरी चल रहा था उससे दो गुनी रफ्तार से भोजपुरी आगे बढ़ेगा। आप और यामिनी जी के जो है दूसरी बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसमें तो हीरो दो हीरो, इसमें आप सोलो हीरो हीरोइन हैं, तो कितना इसमें नया केमिस्ट्री होगा, कितना होगा? कुल मिला के एक अच्छा अनुभव रहता है यामिनी सांग जी के साथ काम करने का, और देखते हैं इस बार क्या होता है, बहुत कोशिश हम लोग करेंगे कि कुछ अच्छा करें। अक्सर जो है भोजपुरी सिनेमा में या हिंदी सिनेमा में या अदर से साथ साथ हीरो हीरोइन काम करते हैं, जोड़ी बनने लगती है या पब्लिक बोलती है जोड़ी हिट है? नहीं, देखिए हम लोग पहले ही बोले कि जिस हिसाब से फिल्म का करेक्टर होता है उस हिसाब से खास करके ऐसा होना भी चाहिए इंडस्ट्री में कि जो जिस करेक्टर में फिट करे उसको के लिए कास्ट किया करना चाहिए, और जोड़ी वाली जो बात है एक हद तक वो भी सही है,
लेकिन अपना अपना नज़रिया और अपना अपना तरीका होता है काम करने का, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी सिनेमा का सुनहरा दौर है, नए प्रोड्यूसर नए बैनर एंट्री करते हैं, ऐसे में नया प्रोड्यूसर है, नए प्रोड्यूसर आए, नया बैनर लेके आए हैं, क्या मिश्रा जी बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं संतोष मिश्रा जी के प्रति ये अपनी अभी तो मैं हम लोग का पहला काम है, ये हमारी इच्छा है कि एक अच्छे प्रोड्यूसर साबित हों और एक अच्छी फिल्म बनाए। बिल्कुल, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो उनका भोजपुरी की तरफ बहुत अच्छा रुझान है और हमारा ये उम्मीद रहेगा कि लगातार करें वो। हाँ चंदन जी, आपने जैसा बताया कि हैट्रिक हेरिटेज के साथ, हाँ जी, तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। मैं फिल्में करता हूँ बट इनके साथ जो फिल्में करता हूँ तो एक अलग जोश होता है। अगली बार नया कुछ रुकी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया नवरात्रि जो है आपके ढेर सारे गाने आ रहे हैं और डिफरेंट गाने आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक भोजपुरी इंडस्ट्री ही ऐसा है जिसपे हर सीजन में गाने हम लोग को जो सिंगर हैं वो गाते हैं, हमारे सारे सिंगर। और एक हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार का जो त्यौहार मनाने का तरीका भी है, जब नए नए गाने आते हैं, नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि के नए नए गाने, तो उमंग ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो मिट्टी है इसी में मतलब उत्साह है, उमंग है, तो उस हिसाब से हम लोग का परिवेश भी है। हर साल नए नए गाने आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, हम लोग के सिंगर एकदम दिन रात अपने पब्लिक को कुछ ना कुछ नया देने में जुटे रहते हैं। और नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग हमेशा मस्त रहिए, महतारी आप लोग के सर पे अपना हाथ हमेशा बनाए रखे। अब हम लोगों को मास्टर जी नीचे बुला रहे हैं, तो अब विदा दीजिए।